दिस इज ये एप्रॉन का डिजिटल पोटेंशियोमीटर है, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक की हमने प्लेटें दी हुई हैं, दो और दो तारे हैं। इसमें अगर हम पैनल की बात करें, ये स्टैंड बाई मोड है, ये मिली वोल्ट है। अगर मिली वोल्ट सेलेक्ट कर लें 200 मिली वोल्ट तक या 2000 मिली वोल्ट तक इसके अंदर रीडिंग आएगी। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर इसका देखिए ऑन ऑफ उसी डायरेक्शन में, ये ऑन ऑफ स्विच है पावर का। इस यहाँ पे अगर हम ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लगा सकते हैं अगर मैंने इसको कनेक्ट करना है, और ये इसकी कैलिब्रेशन के लिए। अगर आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और उसमें कोई आपको रीडिंग पता है और डिफरेंस आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड कर सकते हो। मैं इसको अगर मिली वोल्ट पे रखता हूँ और कोई रीडिंग आ रही है तो दोनों इलेक्ट्रोड में मैं टच करूँगा तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो ही हो जाती है, इस रीडिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैंने इसको एक पीछे इलेक्ट्रोड में यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने जोड़ दिए और ये इसकी रीडिंग है 745। और अगर मैं इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देता हूँ तो इसके अंदर रीडिंग इसकी चेंज हो जाती है। ये देखिए इसकी रीडिंग चेंज हो रही है, ये इसकी रीडिंग आ गई है। अब आपके पास ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है और चार इलेक्ट्रोड वाला भी आता है, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आप बाय कर सकते हो। हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए और www.apronexports.com, हमें ईमेल भेजिए apron01@gmail.com के ऊपर। डिजिटल पोटेंशियोमीटर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दूसरी वीडियोस दो इलेक्ट्रोड वाली और चार इलेक्ट्रोड वाला भी आता है इंस्ट्रूमेंट, वो भी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।